हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस समय हम लोग अपने अप्लाइड मैथ्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के बेसिस पे हमने इसके पहले आपको कई लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं, जिसके माध्यम से हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि द्विपद प्रसार क्या होता है, द्विपद प्रसार का व्यापक पद क्या होता है, द्विपद प्रसार में मध्य पद कैसे निकाला जाता है, या द्विपद प्रसार का कोई भी पद अगर हमें ज्ञात करना हो तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग इसके पहले के सभी लेक्चर्स को जरूर से जरूर देख लिए होंगे। अगर आप लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पहले आप उन सभी लेक्चर्स को देख लीजिए। कहां मिलेंगे सर? चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, साथ ही साथ इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन सभी क्लास को देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर, आज का ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं द्विपद गुणांक के बारे में। साथ ही साथ हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका डेरिवेशन करेंगे, और मैं आपको किसी भी का गुणांक ज्ञात करना सिखाऊंगा। जैसे आप लोगों की बुक में क्वेश्चन दिया है कि इसके प्रसार में यक्ष की घात 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए, इसके प्रसार में यक्ष की घात 10 का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसी लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में ये 3 इंपॉर्टेंट एंड मेजर टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए खूब ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा, समझिएगा और नोट्स जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि द्विपद गुणांक क्या होते हैं, बाइनोमियल कोफिशियंट उसको कहा जाता है, वह क्या होता है, समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक हमारा क्या है? द्विपद गुणांक। द्विपद गुणांक बच्चों हम लोग जानेंगे क्या होता है, बाइनोमियल कोफिशियंट। क्या नाम होगा? बाइनोमियल कोएफिशिएंट, डबल एफ आई सी आई ई एन टी होता है डियर स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यह है द्विपद गुणांक। हम समझते हैं द्विपद गुणांक होता क्या। देखो, छोटी छोटी चीजें जो है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो बुक के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए इसको ध्यान से समझिए आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, आपको x प्लस ए टू दी पावर n के एक्सपेंशन का फार्मूला अभी तक सिखाया जा चुका है। इसमें कैसे आता है? एन सी जीरो एक्स की पावर एन ए टू दी पावर जीरो प्लस एन सी वन यक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन प्लस एन सी टू यक्स की पावर एन माइनस टू ए का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करते चले जाते हैं, और यहाँ एन सी एन आता है यक्स की पावर जीरो और ए की पावर एन। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से मिलता है। अब देखिए, ये जो आपके सामने हमने लिखा है ये क्या है? द्विपद प्रसार है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, इसी द्विपद प्रसार में ये जो आपको दिख रहे हैं सी वाले पद, इन्हीं को बच्चों क्या कहा जाता है? द्विपद गुणांक कहा जाता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि भैया इसमें द्विपद गुणांक कौन कौन सा है, किसकी बात करें हम द्विपद गुणांक की, कि सर इसमें द्विपद गुणांक कौन कौन सा है, तो क्या क्या बताएंगे? डियर स्टूडेंट्स, एन सी जीरो कॉमा एन सी वन कॉमा एन सी टू कॉमा एन सी थ्री डॉट 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 एन सी एन, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी डियर स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं? द्विपद गुणांक कहलाते हैं। इनको शॉर्ट में ध्यान देना, इन शॉर्ट कहीं कहीं आप लोग देखोगे इनको केवल सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री डॉट 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 सी एन से भी प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से आप लोग समझते चलिएगा, प्रदर्शित करते हैं। क्या मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स? हमने ये बताया कि जो हमारा x प्लस ए टू दी पावर n का एक्सपेंशन है, जो उसका प्रसार है, जो उसमें एन सी आर वाले पद आते हैं, उन्हीं एन सी आर वाले पदों को द्विपद गुणांक के नाम से जाना जाता है। मीन्स एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री डॉट 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 जो एन सी एन आपके सामने दिख रहे हैं, ये डियर स्टूडेंट सभी के सभी क्या हैं? द्विपद गुणांक हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री डॉट 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 सी एन से भी प्रदर्शित करते हैं। अब इसी द्विपद गुणांक के आधार पर आपकी बुक में एक छोटी सी और बड़ी ही प्यारी सी थ्योरम दी गई है, आइए उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा
कि ये जो द्विपद गुणांक होते हैं, जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं, ये क्या होते हैं। अब इसी बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बेसिस पर ही हमारे सिलेबस में एक छोटी सी और बड़ी ही प्यारी सी थ्योरम है जो मैं आपको प्रूफ करके दिखाने चल रहा हूँ। ये आपके सिलेबस में है और ये थ्योरम डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान से समझिएगा सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि थ्योरम क्या है। थ्योरम है डियर स्टूडेंट्स कि सिद्ध कीजिए कि, आराम से समझिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, सिद्ध कीजिए कि। डियर स्टूडेंट्स जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध कीजिए भाई, द्विपद, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, द्विपद, द्विपद कौन भाई, द्विपद 1+x^n, ठीक है बच्चों, x^n के प्रसार में सभी द्विपद गुणांकों का योग, सभी द्विपद गुणांकों का योग, सभी द्विपद गुणांकों का योग 2^n होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमें जो है प्रूफ करना है। डियर स्टूडेंट्स देखिए हमको क्या गिवेन है, हमें गिवेन यही है कि 1+x^n का प्रसार करना ये हमको दिया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं टू प्रूव माने सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, चलो यहाँ लिखते हैं, सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट्स कि NC0+NC1+NC2+... जो NCN है ना, इसकी वैल्यू 2^n होगी, ऐसा हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। उसने कहा है कि जो द्विपद गुणांक होंगे, द्विपद गुणांक यही तो हैं बच्चों, NC0, NC1, NC2+... NCN=2^n के बराबर होता है। ये कंसेप्ट कई जगहों पर यूज होता है, आइए हम लोग इसको डिराइव करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कैसे मिला है, कैसे हम लोगों ने इसको डियर स्टूडेंट्स फाइंड किया है, ठीक है। आइए समझिएगा, आइए प्रूफ करते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे इस थ्योरम को प्रूफ किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स आपको गिवेन क्या है, 1+x^n, अगर मैं इसका प्रसार करूं तो क्या मिलेगा सर, NC0 मिलेगा, 1^ बच्चों n लगेगा और x^0 लगेगा, प्लस NC1 लगेगा और 1^n-1 लगेगा और x होगा, प्लस NC2 1^n-2 होगा और बच्चों x का स्क्वायर होगा, प्लस NC3 होगा और यहां पर कितना होगा, 1^n-3 होगा और x^3 होगा, प्लस ... यहां लिखेंगे हम लोग NCN 1^0 और x^ बच्चों कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, अब समझना थोड़ा सा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1+x^n। देखो जहां जहां ये 1 है उसको लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि 1^ कितनी भी लगेगी डियर स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां मिलेगा कितना आपको, NC0 x^0, या तो इसको लिखो या तो छोड़ भी सकते हो, NC1 x + NC2 और x^2+NC3 x^3 +... NCN और x^ बच्चों कितना, इतना समझ में आ गया है। अब ये जो एक्सपेंशन आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सपेंशन में जहां जहां आपको x दिख रहा है उस x के स्थान पर हम लोग 1 पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे, 1। यहां लिख देंगे हम लोग x बराबर 1 रखने पर, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, जब आप 1 रखोगे तो यहां कितना आएगा, 1+1^n = यहां आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स NC0। देखो 1 x की जगह पे 1 रख दोगे तो ये सब घात वात जो लगी है सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1^0 माने 1, 1^1 माने 1, 1^2 माने 1, 1^3 माने 1, सबका मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो बच्चा कितना, NC0 प्लस बच्चों NC1 और प्लस कितना NC2 प्लस कितना NC3 प्लस NCN बराबर कितना हो गया। देखो ये देखो ध्यान से, 1+1 लिखा है बच्चों, इसको ऊपर लिख देते हैं, यहां देखिएगा आप लोग,
देखो इसको सीधा करके लिखेंगे, पहले इसको लिख देते हैं, आ जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री बच्चों प्लस डॉट 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 एन सी एन बराबर, देखो एक धन एक कितना हो गया, दो हो गया, तो बराबर हो गया टू की पावर बच्चों कितना हो गया, एन हो गया। और यही आपको प्रूफ करना था कि जो द्विपद गुणांक होते हैं उनका जो योगफल होता है डियर स्टूडेंट्स वो टू की पावर एन के क्या होता है, बराबर होता है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, आर करके लिख सकते हैं, सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस डॉट 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 सी एन इज इक्वल टू टू की पावर एन, भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और जहां इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पर हम लोग यूज भी कर सकते हैं। इससे वीडियो को पास करके डियर स्टूडेंट्स इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इससे एक महत्वपूर्ण रिजल्ट और भी निकाला जा सकता है। देखो कैसे, समझते चलिएगा, पूरा एकदम मैथ्स आंखों से दिखा दूंगा आप लोगों को और 100% समझ में आएगा, आप अपने कॉलेज में टॉप करोगे इस बात की तो गारंटी लेता हूं। अगर आप रेगुलर लेक्चर को देख रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को एक स्पेशल टाइम टेबल प्रोवाइड कराया था, अगर आप लोगों ने उस टाइम टेबल को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने प्रूव किया, सिंस एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस डॉट 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 एन सी एन की वैल्यू कितनी होती है, टू की पावर एन होती है, सही है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इस एन सी जीरो को हम वन लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू वन होती है, एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस डॉट 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 एन सी एन इज इक्वल टू टू की पावर एन होता है। तो हम चाहें तो इसको लिखें एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस डॉट 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 एन सी एन करके इक्वल टू टू की पावर एन माइनस वन, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ से मिल सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स? अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि द्विपद गुणांक क्या होते हैं और इन द्विपद गुणांकों में रिलेशन क्या होता है, इन द्विपद गुणांकों का योगफल क्या होता है, टू की पावर एन के बराबर होता है। अगर हम एन सी वन से स्टार्ट करेंगे तो वन उधर ट्रांसपोज होकर के हमको टू की पावर एन माइनस वन बच्चों प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, गुणांक ज्ञात करना। ध्यान से समझिएगा, ये वाला टॉपिक जो अब मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ, ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के बेसिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, 100% तय है। इसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो अलग बात है कि आपकी किस्मत ना साथ दे और ना आए, बाकी बच्चों ये पूछा बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे गुणांक ज्ञात करना। कोई अगर हमारे पास द्विपद प्रसार दिया हुआ है तो उसके गुणांक को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, पहले प्रोसेस दिखाऊंगा, फिर एक आध क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, देन आपको 100% समझ में आ जाएगा कि गुणांक को बच्चों हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये बोर्ड अभी बच्चों नया बना है, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से साफ करना पड़ता है, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा ये बढ़िया से साफ नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों किसके बारे में, कि किसी का गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए x प्लस ए टू द पावर, सपोज कर लीजिए कि 15 लिखा हुआ है, बस समझने का प्रयास करिएगा, x प्लस ए टू द पावर 15 लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताओ ये भैया कि इसमें कहीं ऐसा पद आएगा जहां x की घात 10 लगी हो, जाहिर सी बात है आएगा, क्योंकि x की घात 0 से शुरू होकर के 15 तक लगेगी मैक्सिमम घात। इसमें कोई पद ऐसा भी आएगा जिसमें x की घात 15 लगी होगी, कोई पद ऐसा भी आएगा जिसमें x की घात 7 लगी होगी, क्यों, ये घात लगे वाले पद इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, जरूर से जरूर आएंगे। तो क्वेश्चन क्या बनता है, कहता है इसके प्रसार में x की घात 10 का गुणांक ज्ञात करो, कभी कहेगा इसके प्रसार में x घात 15 का गुणांक ज्ञात करो, कभी कहेगा इसके प्रसार में x घात 7 का गुणांक ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। आइए समझते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, एक्स प्लस ए टू दी पावर 15, मैं सबसे आसान तरीका आपको सिखाऊंगा। सबसे पहला काम, मैंने आपको व्यापक पद सिखाया था, अगर याद हो तो हमने सिखाया था डियर स्टूडेंट्स, एक्स प्लस ए टू द पावर एन जो होता है
इसका जो व्यापक पद होता है, व्यापक पद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जनरल टर्म कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको सिखाया था अगर याद हो तो, हमने बताया था कि सर जी जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर एंड ए टू दी पावर आर। ये जो होता है क्या होता है, व्यापक पद निकालने का फार्मूला होता है। तो डियर स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन में जब किसी का भी गुणांक निकालने की बात आएगी, इन दैट केस सबसे पहले आप उसका व्यापक पद लिखेंगे। तो इसका क्या लिखोगे आप सबसे पहले बच्चों, व्यापक पद। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे, व्यापक पद लिखोगे। जब व्यापक पद आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, टी आर प्लस वन लिखोगे, एन की जगह पे 15 है तो 15 सी आर लिखोगे, और एक्स की पावर डियर स्टूडेंट्स यहां पर 15 माइनस आर और ए की पावर आर हो जाएगा, इसको आप समीकरण नंबर एक यहां पर मान लेंगे। इतनी बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। अब डियर स्टूडेंट्स ये आर प्लस वनवा पद है ना, यहां एक्स की घात कितनी लगी है, 15 माइनस आर, तुम्हें चाहिए एक्स की घात 10 का गुणांक, यक्ष की घात 10 का गुणांक चाहिए। तो यक्ष की घात 10 के गुणांक के लिए यहां यक्ष की घात क्या होना चाहिए, 10 होना। सभी क्वेश्चन में यही करना है, व्यापक पद लिखो, जो यक्ष है उसकी घात देखो और उसकी घात को उसके बराबर कर दो जिसका गुणांक तुम्हें चाहिए। तो आपको यक्ष की घात कितना चाहिए, 10 चाहिए, तो ये 15 माइनस आर किसके बराबर कर दोगे, 10 के बराबर कर दोगे। अगर यक्ष की घात 15 का गुणांक चाहिए तो 15 माइनस आर का मान 15 के बराबर कर दोगे। अगर आपको यक्ष की घात 7 का गुणांक कहिए तो 15 माइनस आर का मान कितना कर दोगे, 7 के बराबर कर दोगे। जब आर का मान आ जाएगा वही लाकर के यहां पे रख दोगे तो आपको एक्स घात उसका गुणांक प्राप्त हो जाएगा। देखो समझो ध्यान से, मान लो घात 10 का गुणांक निकालना है तो यहां लिखेंगे एक्स की घात 10 के गुणांक के लिए, गुणांक के लिए, अगर हम एक्स की घात 10 की गुणांक के लिए बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो 15 माइनस आर जो है वो 10 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो क्या मिलेगा, माइनस आर इक्वल टू 10 माइनस 15 हो जाएगा बच्चों, तो माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 5, देन आर इज इक्वल टू 5 मिल गया। आर इक्वल टू क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो यही कह देना आर का मान समीकरण एक में रखने पर, लिख दो यहां पर क्या लिखोगे डियर स्टूडेंट्स, आर का मान समीकरण कहां पर, एक में रखने पर। अगर आर का मान आपने समीकरण एक में रखा तो यहां चलो ठीक है 5 आया है, टी 6 होगा बराबर 15 सी 6 होगा, और देखो डियर स्टूडेंट्स यहां पर 5 आया है ना, तो 6 नहीं होगा बच्चों, 5 होगा, ठीक है 5 होगा। और एक्स की पावर 15 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा, 10 बचेगा, और ए की घात कितना बचेगा बच्चों, 5 बचेगा जब आर का मान रखोगे। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, टी सिक्स इक्वल टू ए की पावर 5, 15 सी 5 और एक्स की पावर 10। देखो आपको पूरा सब कुछ पता चल गया कि एक्स की पावर 10 वाला जो पद है वो प्रसार का छठवां पद है, और एक्स की घात 10 का गुणांक यही साफ साफ आपको सामने नजर आ रहा है, जो उसके गुणे में है उसका क्या है, गुणांक है। तो क्या लिख दोगे, एक्स की घात 10 का गुणांक अगर हम यहां पे निकालते हैं बच्चों, तो इस घात 10 का गुणांक कितना आ जाएगा, ए की पावर 5 और 15 सी 5। डियर स्टूडेंट्स यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स और समझाते हैं आप लोगों को, मान लो आपको यहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन मैं चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये सब मिटाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, एकदम जबरदस्त लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले हम चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड अर्थात समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों हम आपको पढ़ा चुके हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसको भी देखा होगा, नहीं देखा होगा देख लेना, एकदम जबरदस्त पढ़ाए हैं, एकदम मजा आ रही है। और डियर स्टूडेंट्स आपके सभी क्लासेस की टाइमिंग भी फिक्स हो चुकी है, कम्युनिकेशन स्किल की क्लास मॉर्निंग में 6 AM पर आपको रेगुलर प्रोवाइड हो रही है, उसको आप लोग देखिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए। डियर स्टूडेंट्स मान लो यहीं पर आपसे कहता कि भैया हो यक्ष घात 15 गुणांक बता दो, तो क्या करते, इसी को किसके बराबर कर देते सर, 15 बराबर कर देते, तो माइनस आर बराबर 15 माइनस 15 हो जाता, और माइनस आर बराबर 0 माने आर बराबर 0, आर का मनवा ला करके कहां रख देते, समीकरण एक में रख देते, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो गुणांक आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर सर आपसे कहेगा
कि यक्ष घात 7 का गुणांक निकालो, तो क्या करोगे, इसी 15 माइनस आर को डियर स्टूडेंट्स आप 7 के क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। तो यहां पर 15 माइनस 7 इज इक्वल टू आर आ जाएगा। आर बराबर कितना भैया, 8 7 15, आर का मान 8 आ जाएगा। आर का मान रख करके पार कर दोगे और आपको वैल्यू वहां से मिल जाएगी। तो समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि द्विपद गुणांक क्या है, द्विपद गुणांकों में रिलेशन क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग कैसे किसी द्विपद प्रसार में किसी की घात का गुणांक प्राप्त करते हैं व्यापक पद की सहायता से। अगर ये लेक्चर कम समझ में आ रहा है तो आपने शायद इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा होगा। बच्चों देख जरूर से जरूर लीजिएगा, और यार अगर क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करना मत भूला करो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक जरूर से जरूर किया करो और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया करो, ठीक है। और ये लाइव चैट में जो आप लोग बात करते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको बोला है कि लाइव चैट में केवल आपको प्रेजेंट लिखना, जैसे आप क्लास में क्लास अटेंड करने जाते हैं क्लासरूम में तो सिंपल सा जाकर के प्रेजेंट बोलते हैं, क्लास में बैठते हैं पढ़ने लगते हैं, वैसे ही आपकी क्लास चल रही है, क्लास में आइए प्रेजेंट सर लिखिए और क्लास को पूरा वाच करिए। जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं, जो कुछ भी आपकी समस्याएं हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बाद में लिखेंगे। अभी लाइव चैट में केवल प्रेजेंट आपको करना है, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर आकर के टाइमली क्लास को अटेंड करते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अब इसी में छोटा सा ट्विस्ट आता है। अभी अभी हमने आपको कहा कि यक्ष घात कितने का गुणांक निकालने के लिए कहेगा, तुम निकाल लोगे, कोई डाउट नहीं है। कभी कभी कहेगा इसके प्रसार में अचर पद ज्ञात करो। देखो ध्यान से, कहेगा डियर स्टूडेंट्स एक्स प्लस ए टू द पावर एन के प्रसार में, ध्यान देना, के प्रसार में क्या ज्ञात करो, में अचर पद ज्ञात करो। जब अचर पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो अचर पद का क्या मतलब होगा, अचर पद का मतलब होगा डियर स्टूडेंट्स कि उसमें एक्स होगा ही नहीं, यक्ष नहीं होगा। इसका मतलब इसकी घात कितनी होगी, जीरो होगी। तो हमेशा से ध्यान रखिएगा, जब आपसे वो अचर पद निकालने के लिए बात करेगा तो इसका मतलब वो बात किसकी कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो बात कर रहा है इस घात जीरो के गुणांक की। तो कंसेप्ट वही पुराना वाला लगेगा जो मैंने आपको समझा दिया है। तो आइए फटाफट से एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो आपकी बुक के और आपके सिलेबस के हैं। दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक किसी का गुणांक निकालूंगा और एक अचर पद वाला क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो खूब ध्यान से फटाफट से क्वेश्चन को समझिए और अपनी नोट्स को प्रिपेयर करिए। आइए डियर स्टूडेंट्स कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और आपको हम समझाते हैं कि कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कोई पद ज्ञात करना। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स हमने आपको ये भी सिखा दिया है अभी तक कि मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। आइए समझते हैं, दो क्वेश्चन लेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर। जैसे जैसे ध्यान से समझिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन जो हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वो है डियर स्टूडेंट्स की एक्स बाई टू और प्लस टू होल टू द पावर 15, ठीक है, के प्रसार में बच्चों हमें यक्ष की घात 7 का क्या ज्ञात करना है सर जी, का गुणांक ज्ञात कीजिए, का गुणांक ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, यक्स बाई टू प्लस टू टू दी पावर 15 के प्रसार में यक्स की पावर 7 के गुणांक को ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम वही कहेंगे सर कि इसका व्यापक पद आप लिख लीजिए। जब इसका आप लोग व्यापक पद लिख लेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे ऐसे देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, लिखेंगे दिए गए क्या दिया है जी, द्विपद दिया गया है, दिए गए द्विपद का व्यापक पद लिख लो भैया। अगर इसका व्यापक पद लिखोगे तो कैसे लिखोगे सर जी, टी आर प्लस 1 बराबर 15, ध्यान देना 15 सी आर, ठीक है, और एक्स बाई टू दी पावर कितना 15 माइनस आर और इंटू टू दी पावर कितना बच्चों आर, यही तो फार्मूला है ना। यहाँ एक्स के प्लेस पे ये है, ए के प्लेस पे ये वैल्यू हमने रख दिया। अब अभी आप डायरेक्ट इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। कैसे करोगे डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, टी आर प्लस 1 इक्वल टू 15 सी आर हो जाएगा और यक्स की पावर 15 माइनस आर हो जाएगा अपान 2 की पावर भी बच्चों 15 माइनस आर हो जाएगा इंटू में 2 की पावर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। इसको देखो तुलना करने से पहले एकदम इसको सरलीकृत रूप में हम लोग लिख लेंगे। और एक स्टेप चलिएगा, टी आर प्लस 1 इक्वल टू स्टूडेंट्स होगा 15 सी आर, यक्स की पावर 15 माइनस आर, और ये देखो भाग में घाते घटती हैं
तो 2 की पावर r माइनस 15 प्लस r हो जाएगा, जब इसको जाके ऊपर घटेगा तो प्लस r हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सामने लेके आइएगा बच्चों, सामने जब लेकर के आओगे तो 2 की पावर हो जाएगा 2r माइनस में 15 इंटू में 15 सी आर, और x की पावर बच्चों कितना 15 माइनस r, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को। अब ये जो यहाँ पड़ोस में लिखे हैं यही इसके गुणांक होंगे, लेकिन उसके लिए हमें इसकी घात को तुलना करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, यक्ष की घात 7, यक्ष की घात 7 के गुणांक के लिए, यक्ष की घात 7 के गुणांक के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, बच्चों होना क्या चाहिए कि 15 माइनस आर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के इक्वल हो जाना चाहिए। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो माइनस आर इक्वल टू 7 माइनस 15 मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, तो माइनस आर इक्वल टू माइनस 8 मिल जाएगा, तो आर इज इक्वल टू आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो यही वैल्यू ला करके इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे आता है यक्ष घात 7 का क्या बच्चों गुणांक। जब यक्ष घात 7 का गुणांक आप लिखोगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, 2 की घात 2 गुणे 7 ऋण 15 हो जाएगा, ठीक बच्चों, 2 गुणे 7 ठीक है ऋण 15 हो जाएगा, कि 7 आया 8 है, 8 आया बेटा आर का मान, तो यहाँ 8 रख दीजिएगा आप, 2 गुणे 8 ऋण 15, और यहाँ पर 15 और सी बच्चों कितना 8, बाकी इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो 2 8 16, 16 में से 15 गया कितना बचा 1, तो कुल मिला कि 2 इनकी पावर 1 लिख देते हैं और 15 सी 8 लिख देते हैं, फाइनली 2 इंटू 15 सी 8, ठीक है इतना आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसमें आंसर कितना दे रहा है, डियर स्टूडेंट इस बुक में जो आंसर दे रहा है वो 15 सी 8 ही केवल दे रहा है, 2 नहीं आ रहा, तो एक काम करिए एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो मैंने सही लगाया है, बाकी प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होगी, कहीं कोई मिस्टेक होगी तो आप समझ लीजिएगा उसको, बाकी प्रोसेस आपकी यही है, शायद हो सकता है बुक में ही आंसर गलत दिया गया हो, तो आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि बुक का आंसर गलत है या हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, शायद हमने सही ही किया है। क्वेश्चन को नोट करिए डियर स्टूडेंट्स, अभी इसी टाइप का एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको अब कोई समस्या न रह जाए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे भैया अचर पद। अचर पद का मतलब क्या मैंने बताया कि वो पद जिसमें यक्ष की घात कितनी होगी, शून्य होगी, वही वाला पद बच्चों क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अचर पद को बच्चों कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई जिसमें अचर पद पूछा हो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे एकदम आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, लिखा है एक्स माइनस वन अपान एक्स टू दी पावर, ठीक है, यहाँ पर 12 लगा है, के प्रसार में, के प्रसार में यक्ष से स्वतंत्र पद, यक्ष से स्वतंत्र पद। अब देखो चाहे अचर पद कहे चाहे यक्ष से स्वतंत्र पद कहे, दोनों का मतलब बच्चों एक ही है। यक्ष से स्वतंत्र पद का मतलब है उसमें यक्ष नहीं रहेगा, यक्ष नहीं रहेगा इसका मतलब यक्ष की घात कितनी रहेगी, शून्य रहेगी, अर्थात जीरो रहेगी। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे द्विपद का व्यापक पद, जो द्विपद हमें दिया है उसका हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, द्वि व्यापक पद सबसे पहले लिख लेंगे। तो टी आर प्लस वन जब आप लिखेंगे तो 12 सी आर आएगा, और x की पावर बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान देना x की पावर यहाँ पर आपके पास 12 माइनस आर आएगा, और माइनस वन अपान एक्स टू दी पावर बच्चों आर आएगा, समझते चलना आराम से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर टी आर प्लस वन लिखेंगे बच्चों और इस माइनस को सामने लाएंगे, माइनस वन टू दी पावर आर, और यहाँ होगा 12 सी आर, एक्स की पावर 12 माइनस आर है ना, इंटू वन अपान एक्स की पावर आर हो जाएगा। अब यक्स पावर आर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर आर, यहाँ पर क्या होगा माइनस वन टू दी पावर आर, और बच्चों 12 सी आर ऊपर जा घात घटेगी यक्स की, और 12 माइनस कितना हो जाएगा 2r, इसी को समीकरण एक मान लेंगे। अब यहाँ क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग बोलेंगे यक्स से स्वतंत्र, ध्यान देना यक्ष से स्वतंत्र पद के लिए, ठीक है, अगर आपको यक्ष से स्वतंत्र पद चाहिए तो उसके लिए इस 12 माइनस टू आर जो है बच्चों, 12 माइनस टू आर की वैल्यू हम लोगों को जीरो के बराबर करनी पड़ेगी, तो माइनस टू आर जो होगा वो माइनस 12 हो जाएगा, तो आर इक्वल टू बच्चों यहां पर 6 हो जाएगा।